नमस्कार दोस्तों, यादों के झरोखे में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट वैशाली, और आज का ये किस्सा बेहद ही दिलचस्प और रोमांचक है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं एक चॉकलेट और बॉलीवुड में ऋषि कपूर की एंट्री से। जी हाँ, आखिरकार कैसे एक चॉकलेट बनी ऋषि कपूर की बॉलीवुड में एंट्री का रास्ता। आज का ये किस्सा बड़ा मजेदार है और आप हंस हंस कर लोटपोट भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म श्री 420 के सेट की ऐसी कहानी, ऐसा किस्सा जो अमूमन आपने सुना नहीं होगा। और आज जब आप ये किस्सा सुनेंगे तो यकीनन आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी। जी हाँ, राज कपूर साहब की श्री 420, जिसके अंदर वेटरन एक्ट्रेस नरगिस नजर आई थी, और उनका वो फेमस गाना तो आपको याद ही होगा, प्यार हुआ इकरार हुआ फिर प्यार से क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। लेकिन इस फिल्म के जरिए और इस गाने के जरिए ऋषि कपूर साहब को फिल्मों में अपनी मंजिल मिल गई थी। आपको बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि साहब महज 3 साल के थे। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हमारा तो कभी नजर पड़ी नहीं कि ऋषि साहब कब उस फिल्म में फीचर हुए। तो आपको बता दूं, इस गाने की शूटिंग के दौरान आपने देखा होगा 3 बच्चे सड़क से चलकर जा रहे हैं, उन्हीं में से एक बच्चा ऋषि साहब भी थे। और ऋषि साहब को जब ये शूट फिल्माने के लिए कहा गया, कहने को वो बहुत छोटे थे, तो जैसे ही उनके ऊपर बारिश का पानी गिरता और वो रोने लग जाते। बड़ी देर हो गई, लेकिन ये सीन फाइनल हो ही नहीं पा रहा था। तो उसके बाद नरगिस ने एक तरकीब लगाई, नरगिस ने ऋषि साहब को चॉकलेट देने का लालच दिया, और ये लालच इतना कामयाब हुआ कि ऋषि साहब बारिश में बहुत अच्छी तरह से भीगे भी और बॉलीवुड में उनकी एंट्री भी हो गई, जिसके बाद नरगिस ने भी अपना वायदा निभाया और ऋषि साहब को दे दी ढेरों चॉकलेट, जिसके बाद से ही हम ये कह सकते हैं कि मेरा नाम जोकर नहीं बल्कि श्री 420 वो फिल्म थी जिसमें अभिनेता ऋषि साहब का बॉलीवुड में डेब्यू हुआ। तो दोस्तों, आपको आज का ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।